नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी। महात्मा ज्योतिबा फूले की 195वीं जयंती पर समाज ने ज्योतिबा फूले माली समाज की धर्मशाला में दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। माली समाज के अध्यक्ष गोपाल अजमेर ने दीप प्रज्वलित किया और मंच संचालन सोमेश अजमेरा ने किया। मंच के मुख्य अतिथि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सांबर लेख भवरी देवी सैनी रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व मनोनीत पार्षद बजरंग लाल मालाकर, लाला राम सैनी, डाल चंद सैनी, पूर्व माली समाज के अध्यक्ष शंभू लाल सैनी मंच पर उपस्थित रहे। सितंबर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले निधन पुणे में 28 नवंबर 1890 में हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाल विवाह का भी विरोध किया था और विधवा विवाह का समर्थन करते रहे। पूरे समाज की कुप्रथा श्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। गरीब और निर्मल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले सांबर लेख के माली समाज के कई गणमान्य व्यक्ति एवं माली समाज के सांबर के पदाधिकारी सैनी समाज धर्मशाला में उपस्थित रहे। वाइफ ऑफ कंजूराम जी माली, मौरी देवी वाइफ ऑफ भगवान दास जी नेनावा। मैं अभी मौजूद हूँ सांबर लेख मालियों के धर्मशाला में। अभी यहाँ पर ज्योतिबा फूले के यहाँ पे माली समाज के प्रोग्राम हो रहा है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिबा फूले में इतनी जोरदार से क्यों मनाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ज्योतिबा फूले कौन थे इसके बारे में कम लोग जानते हैं। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में गोविंद राम जी के घर में जन्मे थे और उन्होंने उस टाइम में संघर्ष किया था जबकि बच्चियां नहीं पढ़ती थी। इनकी पत्नी का नाम सांसी बाई थी। ये सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने बताया है। मैं वो बात बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल को पीस रही है, वो ये है कि सबसे पहले सांबर समाज के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या मतदाता जो है वो रेल समाज है। दूसरे नंबर मुसलमान है। तीसरे नंबर पर ज्योतिबा फूले जयंती पर मैं आप सभी पधारे समाज के भाई पूजनीय और मंचासीन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और इतनी प्रसन्नता से कर रही हूँ कि आज हम ज्योतिबा फूले जयंती मना रहे हैं। कईयों को तो पता ही नहीं है, मैं 2-3 बार जयपुर भी जा चुकी हूँ, फुलेरा वाले भी मुझे बुला के ले गए हैं, वहाँ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे सोमेश जी ने कहा कि मेला देखने दुनिया चली जाती है लेकिन समाज जब एकत्रित होता है तो लोगों के पास समय नहीं होता है। ज्योतिबा जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा में हुआ था। 1 वर्ष की उम्र थी तभी उनकी माता जी का निधन हो गया और उनका पालन पोषण एक सुगनाबाई दाई थी उन्होंने किया। और कुछ समय बाद जब वो 7 वर्ष के हुए, पहले वो बागवानी करते थे, बगीचे में काम करते थे और बहुत गरीबी स्थिति थी। फिर 7 वर्ष की अवस्था में जब उनको स्कूल में भेजा गया तो स्कूल में भी जाति का एक ऐसा वो लगा दिया कि ये नीच जाति के हैं। तो वो घर आ गए और घर आने पर सुगनाबाई ने उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा और उसके बाद जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनसे बैठ के शिक्षा लिया करते थे। तो भाइयों, इतने बड़े इंसान ने हमारी जाति को नाम दिया, सावित्री बाई को उन्होंने पढ़ाया और लेकिन मैं आप सबको भी, जैसे अपने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि किसी भी नौकरी को छीनने से मिलती है, ऐसे नहीं। रैगर समाज में हर महीने 2-3 व्यक्ति जो है ना वो सर्विस पे लग जाते हैं। जब वो पढ़ सकते हैं तो क्या हम नहीं पढ़ सकते। मैं 1962 में 2 मिनट ज्योतिबा फूले जयंती पर मैं आप सभी पधारे समाज के भाई पूजनीय और मंचासीन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और इतनी प्रसन्नता से कर रही हूँ
कि आज हम ज्योतिबा फुले जयंती मना रहे हैं। कईयों को तो पता ही नहीं है, मैं 2-3 बार जयपुर भी जा चुकी हूँ, फुलेरा वाले भी मुझे बुला के ले गए हैं, वहाँ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे सोमेश जी ने कहा कि मेला देखने दुनिया चली जाती है, लेकिन समाज जब एकत्रित होता है तो लोगों के पास समय नहीं होता है। ज्योतिबा जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा में हुआ था। 1 वर्ष की उम्र थी तभी उनकी माता जी का निधन हो गया और उनका पालन पोषण एक सुगनाबाई दाई थी, उन्होंने किया। और कुछ समय बाद जब वो 7 वर्ष के हुए, पहले वो बागवानी करते थे, बगीचे में काम करते थे और बहुत गरीबी स्थिति थी। फिर 7 वर्ष की अवस्था में जब उनको स्कूल में भेजा गया तो स्कूल में भी जाति का एक ऐसा वो लगा दिया कि ये नीच जाति के हैं। तो वो घर आ गए और घर आने पर सुगनाबाई ने उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा और उसके बाद जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनसे बैठ के शिक्षा लिया करते थे। तो भाइयों, इतने बड़े इंसान ने हमारी जाति को नाम दिया, सावित्री बाई को उन्होंने पढ़ाया और सब। लेकिन मैं आप सबको भी, जैसे अपने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि किसी भी नौकरी को छीनने से मिलती है, ऐसे नहीं। रैगर समाज में हर महीने 2-3 व्यक्ति जो है ना वो सर्विस पे लग जाते हैं। जब वो पढ़ सकते हैं तो क्या हम नहीं पढ़ सकते? मैं 1962 में 2 मिनट परिश्रम के लिए, उस गाइडेंस के लिए हम बिल्कुल 24/7 समाज की नतमस्तक होकर सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पहले भी मैंने मन से कहा है कि अगर समाज का कोई भी बंधु किसी भी तरह की बात के लिए, किसी भी गाइडेंस के लिए हमारे पास में आता है तो मेरे हिसाब से आज दिन तक तो कोई निराश गया नहीं कि भाई कोई काम लेके आए हो, कोई भी, चाहे वो अटेस्टेशन का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, गाइडेंस का काम है कि भाई साहब कैसे क्या करना है। तो पूरी कोशिश करते हैं, हर संभव मदद करते हैं, लेकिन आउटपुट अभी इतना